गाइस एक मछली आ गई है भाई। तो गाइस देखो कट से तो मम्मी इतने सारे कपड़े धो के अभी आ चुकी है। तो गाइस नए दिन की भी शुरुआत कर लेते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एंड मैं भी बढ़िया। तो आज नए दिन की शुरुआत हो रही है 9 बजे से। थोड़ी देर पहले उठ गया था, फिर उसके बाद काम घूम किया, फिर पानी पुनी लाया, फिर लेट ही हो गया। और मौसी और भी आ रखे थे तो हमने सोचा कि आज चलते हैं नदी, और फिर से आज एक नदी का प्लान बनाते हैं और एक नदी वाला ब्लॉग डालते हैं आप लोगों के लिए। तो अभी सुबह पहले बारिश हो रही थी, तो बारिश होने के बाद फिर हमने सोचा कि जैसे ही धूप आएगी वैसे ही हम जाएंगे नदी। तो अभी धूप आ चुकी है और इसके बाद जाएंगे हम नदी। मौसम की बात करूँ तो मौसम एकदम मस्त हो रखा है, हरियाली हो गई है, हरियाली। तो गाइस हमें जाना है, वो जो रोड है उस रोड के नीचे नदी है, तो उस साइड जाना है हमें। मम्मी और उन्हें सब्जी सब्जी लगवा रखी हैं। तो ये आई थिंक ये है चचिंडा, ये चचिंडे का लगलू है, लगलू बोलते हैं हमारे, इसका बेल होती है ना जो, तो हम इसको बोलते हैं लगलू। तो गाइस मम्मी चढ़ रही है हम पे, माँ आज गोरी आ रही है भाई पहली बार माँ है। ये तो गरिया कुकड़ी हमारी, देख सकते हो आप, ये 3-4 महीने बाद जब ये बड़ी हो जाएंगी फिर इनको हम टमका देंगे, इनको मस्त एकदम रोस्ट करके खाएंगे हम। मैं पता किसको खाऊंगा रोस्ट करके, इसको, ये वाली है जो। तो गाइस ये बेताब हो रखे हैं कि हमने खाना है खाना है, और हम इनको मम्मी दे रही है इनको, अभी देखना है कैसे खाएंगे दबा के। जाओ अंदर जाओ। ओहो भाई का घर उधर है, ओहो पहाड़ी, ओ अंकित भाई का घर, ओ टावर दिख रहा है आपको उस टावर के पीछे, मेरे नानी के गांव की साइड। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है मछली पकड़ना, ठीक है, खाने में उतना मज़ा नहीं आता जितना पकड़ने में आता है। सच्ची खाने में तो 2-4 पीस बढ़िया बढ़िया, लेकिन हाँ पकड़ने में मज़ा आता है। तो अभी चल रहे हैं और तैयारी शुरू करते हैं। तो मम्मी खाना बनाने लगी, मैडम आपको कैसा लग रहा है गिंठाली में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। सुनील की एक रिक्वेस्ट थी, सुनील बोल रहा था मम्मी को दिखाना मेरे ब्लॉग मम्मी को दिखाना, मम्मी बोला शर्माती है बड़ी। तुम शर्माते हो मम्मी? आती है? अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, नॉर्मल है जैसे लोग देखते हैं। तो क्या बोलना चाहोगे आप हमारे व्यूअर्स को? बहुत अच्छा, कैसा लग रहा है आपको गिंठाली में? ठंडा ठंडा मौसम, शर्माने के लिए तुम यार और नॉर्मल ची यार जल हम चाहू नहीं वो बता ना। तो अजू भाई की मम्मी आज भाई माँ माँ आज भाई सब जान दिन ना, तो आज भाई माँ उप बनाचा बोले आज भाई माँ थी दिखे बोल अजू भाई की माँ। भाई नेपाल से भी देखते हैं मेरी वीडियो, नेपाल से भी देखते हैं। नेपाल से कहाँ से हो तुम? नेपाल से कहाँ से हो? रोलपा। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि नेपाल से यहाँ काम करने के लिए हैं भाई है? बोलो उधर की सरकार को यार कुछ दे, बोलो भयंकर नौकरी चाकरी है? बच्चा है इसका तो? बच्चा है? कितना ओ भाई शादी होगी तेरी? अरे भाई सच बोलो यार, उसकी शादी होगी है? नहीं हुआ ना अभी, शादी हो रहा है। अरे झूठ क्यों बोल रहे भाई, सच सच बोल दे यार है? पता खलास है और क्या। और तुम्हारा कितने बच्चे हैं? अभी नहीं, अभी नई नई शादी है, लव मैरिज। शाबाश बॉडी है भाई की, देखो भाई अंकल सॉलिड बॉडी, भाई के जैसे बाल ना पहले मेरे भी थे, जैसे तुम्हारे है ना भाई बाल वैसे ही बाल भी थे मेरे भी थे पहले भाई। ऐसे मसाला बनता पहाड़ों में देखो तुम। तो मम्मी 18 साल के लड़के की शादी होगी मेरी नहीं हो रही, मैं 25-26 साल का हो गया
चाची और हमें ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं कि पता नहीं क्या कर दिया मैंने ऐसा। तो काम चल रहा है भाई अभी गांव के हित में। तो इन दिन दुपहर हम लगे हैं जो वर्धा का जी वो काम ने धाम यूनोनियो काम ने धाम काम ने धाम यूनोनियो को जाकर जी बस। तो गाइस अभी हमने खाना खुना खा लिया है और अभी तैयारी है हमारी यहाँ से नदी जाने की। ठीक है, जो कुछ भी होगा इस व्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ से फटाफट निकलते हैं अभी, भाई भी मिल रहा है। अच्छा भाई साहब, बाय बाय। ओके बाय बाय। तो अभी निकलते हैं यहाँ से और पहुँच के ही बात करेंगे आप। तो गाइस काफ़ी सारी उमस हो रही है अभी और गर्मी से बुरा हाल। दादा पीछे से और पापा चल रहे आगे। और अभी हम पहुंच चुके हैं बगड़ में, एक जगह है, एक घाटी है, उसको हमारे यहाँ बगड़ बोला जाता है। अभी हम वहाँ पे पहुंच चुके हैं, अब मिलते हैं आपको सीधा मैंदोड़ी में। तुम लोगों को लगता होगा ना मछली पकड़ना आसान है, लेकिन सच बताऊँ मछली पकड़ना आसान नहीं है, काफ़ी सारी मुश्किलें आती हैं भाई। जैसे कि ये गर्मी और पसीना आप देख ही सकते हो, हालत ख़राब हो रखी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छा सा वीडियो बना के लाऊं। तो आज भी ये कोशिश रहेगी मेरी, अच्छा वीडियो लाऊं आप लोगों के लिए। तो चलते हैं अभी। और हमने पत्ते पुत्ते तोड़ना स्टार्ट कर दिया है। ये पत्ते लगाते हैं हम, जो होल होता है उसके अंदर डालते हैं हम, ये पत्ते बंद करते हैं। आज सारा प्रोसेस बताऊँगा आप लोगों को अच्छे से। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं नदी में, पसीना देख सकते हो, हालत ख़राब, गर्मी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर दिखाते हैं आपको। आ गया पवा आ गया। अच्छा ना, तो ऐसी ऐसी मछली आजकल जाल पे भी मिलती है हमें, तो हम जाल भी ला चुके थे। ये बार एंकर दिखा।
गाइस ये देखियो गाइस ये देखियो गाइस लुक एट दिस गाइस तो गाइस अभी हमें यहाँ से तैर के जाना पड़ेगा। चाचा जी तो आगे निकल चुके हैं लेकिन हमें निकलना पड़ेगा खुद ही। तो अभी निकलते हैं यहाँ से जाना उस साइड। तो गुस्से वाले मछुआरे आज रो रहे हैं काका यूं देना उन कर दे ये तो फंड खरीद जा एक बार कर दे जरा उन्हीं। अरे वीडियो आगे निकल लेंगे इन्हें ना तो पापा भी मछली ला रहे हैं वहां से। बेटे कागज दिखा दी तो गाइज अभी तक आपने बहुत सारी टेक्निक्स देखी होंगी लेकिन अभी आप लोगों को हथगुरु बताता हूँ कि हथगुरु क्या होता है। तो हम एक्चुअल में क्या करते हैं कि जो एक पत्थर होता है उसको हम डांग बोलते हैं, उसके अंदर हाथ डालते हैं और जिंदा मछली को बाहर निकाल लेते हैं वहाँ से, तो उसको हम हथगुरु बोलते हैं। उस टेक्निक से अभी पापा मछली पकड़ने वाला है क्योंकि पापा के हाथ में मछली लग रही है। तो अभी देखते हैं। रुका 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 काका डरी रहा है हमें तो इसका मतलब काफ़ी सारी मछलियाँ हैं उधर। तो जाल में तो हमने थोड़ी सी मछली पकड़ी लेकिन अभी हम यहाँ से मछली पकड़ने वाले हैं। उखमा रहा तू अब उखमा तो चट पकड़ दो ना चुला दे तुम्हें मना गाइस एक मछली आ गई है गाइस हम इसको इधर ही रख देंगे। ठीक है ना तू काका अब सीन अब तो बड़ा वीडियो पे अब सीन अब तो बने अम्मी बाण हां ना ना मम्मी बना लो तुम्हें चा चा चुना नहीं रहा तू ना 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 तो गाइस इस पत्थर के नीचे है मछलियाँ यू काका दिखड़ भी नहीं तू माचो थे भाई नहीं जान तू अरे काका तुम यार तुम दिए हैं अरे मेरे बचपन की जन्म ना हाँ मैंने पूछ रहा हूँ वो है गाइस लिखा का तो इसको बोलते हैं हथगुरु गाइस एक ही डांग से निकाल दी हमने सारी मछलियां क्या। तो गाइस हमने काफी सारी मछलियां यहां से निकाल चुके हैं अभी तक। आई ना देखा
तो गाइस हमने एक थाली मछली की पकड़ ली है। पापा की फ्लैक्स बॉडी देखो, पापा की बॉडी देखो गाइस। अब है दिखा पापा ना, इन्हें इसी तरह कहते हैं जन्मी कर और आई अरे ये इतका ठीक है। तो गाइस देखो को काट से यार पापा का यहां पे भी चाय पी रहे हैं और यहां पे हो रही है बाटी। तो देर जी अब क्या क्या हालत है यार। तो गाइस यहाँ पे ना पानी है, पानी आता है यहाँ पे ठंडा ठंडा पीने के लिए। देखो ये देखो आप यहाँ पे बहुत ठंडा पानी आता है। और चाचा के लिए वो लिया ना, क्या बोलते हैं इसको, टी शर्ट। काका टी शर्ट फट गया भाई, इसने होते निकाल रहा हूँ, चेंज ही कर रहा हूँ। अब नथिंग फेंक दोगे काका? बॉडी दिखा तेरा गुस्से में छुआ। तो गाइस आपको कैसा लगा ये वाला व्लॉग, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को, और आपको अगर अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।